आपका बेटा, आपका सेवक, आप सभी को दादा प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये कोई चुनाव का समय नहीं है, ये आफत का समय है। ये आफत हमेशा हमारे लिए आफत बना हुआ है। हर साल हमारे लोगों को इस आफत का सामना करना पड़ता है। बड़े ही दुख की बात है, उनके बाद भी हम लोग इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हमें इस बारे में अब अस्थायी समाधान के तरफ सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि हर बार हमें बाढ़ राहत दिया जाता है, हमारे लोगों को बाढ़ राहत देने के बजाय अब अस्थायी समाधान देने के बारे में अब नेताओं को सोचना पड़ेगा। जाति धर्म के आधार पर बांट कर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को हमें अब सिखाना पड़ेगा कि हमें जाति धर्म में मत बांटिए। हमारे देवारा की सारी सड़कों को बनाइए, हमारे सुग्गी चोरी वाले हॉस्पिटल में हमारे लोगों का इलाज करने वाला बंदोबस्त कराइए, हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराइए, हमारे लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, रिंग बांध को बनवाइए। इस बात की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने पूरे लोकसभा व्यापी अभियान चलाया है। चुनाव के पहले कहते थे कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम तो लोगों की सेवा करने आए हैं। उनकी सेवा कहाँ है? ये फोटो खिंचवाने की राजनीति करने का जो आदत आप लोगों ने पकड़ा है, इसको अब बंद करना पड़ेगा। हमारे लोगों को बीच में आकर राहत मुहैया करवाना पड़ेगा। हमारी माताएं बहने अस्पतालों में नहीं जा पा रही हैं, उनके जाने का बंदोबस्त करवाना पड़ेगा। अब हमारे आने वाले बच्चे और जच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के जाति धर्म की राजनीति वहीं बलिया में चलेगी, गाजीपुर में चलेगी और आजमगढ़ में चलेगा, या तो आप बंगलौर चलेगा, ये दोबारा मत आइए। ये हमारा आपसे अनुरोध है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। अरे कितने बड़े पूंजीपति हैं आप, अरे यहाँ पे सेवा करने की जरूरत है, आप फोटो खिंचवा के चले गए। आपको यहाँ पे लोगों को सेवा करना चाहिए, लोगों को राहत सामग्री वितरित करनी चाहिए। बार बार आते हैं यहाँ पर, बाढ़ पिकनिक मनाते हैं।